सब्सक्राइब कीजिए इट्स टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल नोटिफिकेशन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो सुमन, मैं करीम, स्वागत है आपका टेक्निक्स के एक और एपिसोड में। लेके आपके लिए आज की लेटेस्ट टेक न्यूज, चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को स्पेशल बनाकर स्पेशल बटन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों बात करें पहले अपडेट की, आता है पे शाओमी की तरफ से। दोस्तों शाओमी की तरफ से ऑफिशियल खबर आ रही है, रेडमी नोट 8 का एक और सेल नेक्स्ट सेल होगा दोस्तों 1 दिसंबर को। ये तो कमाल का फोन है। 5000 mAh की बैटरी है और 4GB रैम है प्लस 64GB स्टोरेज है सिर्फ 8000 रुपीज में। ये अवेलेबल होगा दोस्तों फ्लिपकार्ट और mi.com पर। तो इसका 1 दिसंबर को सेल है, तो आप इसको जाकर एक बार ट्राई करके देखना, आपका ऑर्डर सक्सेस हो जाए तो आपको ये मिल जाएगा। 1 दिसंबर को इसका सेल है फ्लिपकार्ट और mi.com पर, तो शायद आपकी किस्मत में है तो आपको मिल जाएगा, ये कम प्राइस में अच्छा ही फ़ोन मिल जाएगा आपको। तो अभी 1 दिसंबर का इंतजार करेंगे दोस्तों, आप इसको परचेस करें क्या Redmi 8 को, मुझे नीचे कमेंट जरूर लिख कर बता देना। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे वीवो की तरफ से। दोस्तों वीवो U20 आप जानते हैं, ये कम प्राइस में बहुत ही बढ़िया फोन है, आप जानते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप देख लिया होगा दोस्तों। इसका भी 2 दिसंबर को इसका भी सेल है दोस्तों। ये अवेलेबल होगा Amazon और vivo.com पर। ये भी 5000 mAh की बैटरी दे रहा है और 6GB रैम दे रहा है और 64GB स्टोरेज दे रहा है। ये 11000 की प्राइस में ये भी कमाल का फोन है दोस्तों। कम प्राइस में ये भी कमाल का फोन हो सकता है। बिग बैटरी भी है और रैम भी अच्छा है, प्रोसेसर भी थोड़ा अच्छा है, ये बेटर है। Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर भी है और इसका भी आप इंतजार करेंगे। 2 दिसंबर को इसका सेल है, ये Amazon और vivo.com पर होगा, तो आप जाकर इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा vivo का U20। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे नोकिया की तरफ से। दोस्तों फाइनली नोकिया 2.3 की लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। दोस्तों बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को ये नोकिया का 2.3 लॉन्च होगा और उसके बाद हमको ये इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि इसमें आपको मिलता है 6.1 इंचेस की HD डिस्प्ले मिलता है और आपको 3920 mAh की बैटरी मिलती है और इसका प्राइस रखा गया दोस्तों 8600 रुपीज़। और ये लॉन्च होगा दोस्तों 5 दिसंबर को, उसके बाद हमको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो देखेंगे आप इसका इंतजार करेंगे नोकिया 2.3 का, मुझे नीचे कमेंट जरूर लिख कर बताई दो। दोस्तों बात किया जाए दूसरे अपडेट की, आता है ओप्पो की तरफ से। दोस्तों ओप्पो की तरफ से ऑफिशियल खबर आ रही है, दिसंबर के महीने में लॉन्च करेगा Reno 3 के स्मार्टफोन को। तो अभी तो चल रहा था Reno 2 और उसके बाद ये Reno 3 का स्मार्टफोन आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि ओप्पो Reno 3 Pro और ये दिसंबर के महीने में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हमको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, शायद जनवरी या फरवरी में देखने को मिल जाएगा ये Reno 3 Pro। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें 5G भी होगा और 7.7 mm थिकनेस पर होगा, मतलब ये ना बहुत ही स्लिम सा ये फोन होगा ओप्पो Reno 3 Pro। तो देखें दोस्तों ओप्पो Reno 3 क्या कमाल धमाल कर रहता है, दिसंबर के महीने में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हमको इंडिया में देखने को मिलेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ये ओप्पो Reno 3 Pro को हम देखने के लिए, क्योंकि ये इसमें 5G है और ये 5G तो इंडिया में नहीं है, थोड़ा टाइम भी है 5G आने में और ये ओप्पो Reno 3 आने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है इंडिया में। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे मोटोरोला की तरफ से। दोस्तों फाइनली Motorola One Hyper की लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। दोस्तों 3 दिसंबर को ये Motorola One Hyper लॉन्च हो जाएगा ब्राज़ील में, उसके बाद हमको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा Motorola One Hyper। और दोस्तों बताया जा रहा है कि Motorola का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जा रहा है। तो देखें सर Motorola One Hyper इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा तो है, लेकिन ये इंडिया में कब आता है थोड़ा इंतजार कर लीजिए और ये इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, और देखेंगे इंडिया में कब आता है Motorola One Hyper पॉपअप सेल्फी कैमरा को लेकर। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे Xiaomi की तरफ से। दोस्तों इंडिया में Xiaomi ने अपनी Mi TV 4 सीरीज के एक और टीवी को लॉन्च कर दिया है दोस्तों। ये बताया जा रहा है कि 55 इंचेस की होगी। दोस्तों ये वही है जो अक्टूबर के महीने में लॉन्च हुई थी और एक ही मंथ में 6 लाख टीवी को सेल किया था दोस्तों Xiaomi ने Mi 4X TV को। दोस्तों Xiaomi ने उसी सीरीज में दोस्तों 2020 एडिशन करके एक और टीवी लॉन्च कर दिया है जो बताया जा रहा है 55 इंचेस की होगी। दोस्तों ये 2 दिसंबर को फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल होगी और mi.com पर अवेलेबल होगी। अगर आपको 2 दिसंबर को ये परचेस करना है तो आप 2 दिसंबर को इसको परचेस कर सकते हैं Xiaomi के Mi 4X TV को। और दोस्तों बताया जा रहा है इसका प्राइस रखा गया 35000 रुपीज। आपको कैसा लगता है दोस्तों, ये आपको अच्छी लगती है क्या टीवी? आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर परचेस कर ही लेना दोस्तों। खत्म, फिलहाल इतना ही, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद नीचे कमेंट बता रहे हैं, मेरे आपको पसंद दिया होगा। अगर आप लोग चैनल का तो लिख कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इट्स टेक्निकल।